आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि अनुसंधान समस्या के निर्धारण में कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को समस्या चुनने से पहले उस विषय की जानकारी बहुत आवश्यक है जिस विषय पर वह कार्य करना चाहता है, जिससे वह समस्या संबंधित है, जैसे लोक स्वास्थ्य के प्रति अपराध, बाल अपराधों का निवारण, नियंत्रण आदि। यहाँ शोधकर्ता के आपराधिक एवं अपराध शास्त्र एवं समाजशास्त्र का अपनी समस्या के संबंध में अच्छा अध्ययन होना चाहिए। अगर वह विज्ञान विषय से संबंधित है तो वह जिस विषय पर शोध करना चाहता है या जिस समस्या के विषय पर वह शोध करना चाहता है उस विषय का ज्ञान उसे भलीभांति होना चाहिए। अर्थात रसायन शास्त्र में शोधकर्ता के लिए रसायन शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है और चिकित्सा शास्त्र के लिए चिकित्सक का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए इससे पूर्व की अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर किसी विषय में अपना अध्ययन कार्य आरम्भ करे, यह अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधान हेतु जिस समस्या को चुन रहा है वह विभिन्न दृष्टिकोण से उसके लिए उपयुक्त भी हो, अन्यथा उसे आसानी से पूरा करना तो दूर उसके लिए कठिन समस्या बन सकती है। अर्थात अगर वह किसी समस्या पर चर्चा करना चाहता है या किसी समस्या के तह तक जाना चाहता है तो आवश्यक है कि उसे एक समुचित ज्ञान उस समस्या के विषय पर हो, जिससे उस समस्या की तह तक जा सके। इस संबंध में यह भी स्मरण रहे कि समस्या का स्वरूप एक अर्थ ऐसा हो कि अनुसंधान के लिए रुचिकर हो और समाज के लिए उपयोगितापूर्ण। इन दोनों विषयों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वह समाज के लिए रुचिकर नहीं है या समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो निश्चित तौर पर उस शोध का कोई अर्थ नहीं निकलता, और अगर अनुसंधानकर्ता के लिए रुचिकर नहीं है तो वह पूरे मनोयोग से उस विषय पर कार्य भी नहीं कर सकता। केवल वह कोरम पूर्ति करेगा या खाना पूर्ति करेगा, उस विषय पर मन लगा के वो काम नहीं करेगा। अनुसंधान संबंधी समस्या के निर्धारण के लिए रुचिकर होने का मतलब यह है कि अनुसंधानकर्ता विषय एवं समस्या को भली भांति समझ ले और यह भी सोच ले कि उसके लिए विषय सामग्री कहाँ से उपलब्ध होगी। जहाँ तक उपयोगिता का संबंध है तो यह देखना है कि क्या समस्या समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं है। इन दोनों विषयों का ध्यान उसे रखना पड़ेगा। अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुसंधान करता होगा और एक अच्छी समस्या पर वो कार्य कर सकता है। यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान पे रखना जरूरी है। पहला, समाज की तात्कालिक समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रथम के अंतर्गत ऐसी समस्याएं आती हैं जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी हों तथा उसकी उपयोगिता तो है ही, इसलिए समस्या का चुनाव उपयोगी है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जनस्वास्थ्य, कोरोना संबंधित शोध या स्थान विशेष पर संक्रामक रोग का निवारण, नियंत्रण, सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना, सामुदायिक घृणा एवं विकार का निवारण एवं नियंत्रण। ऐसे अनुसंधान व सर्वेक्षण कानून की व्यवस्था के लिए भी किए जा सकते हैं और विज्ञान विषय के लिए भी किए जा सकते हैं। इन विषयों पर अनुसंधानकर्ता स्वयं भी अनुसंधान करता है और सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ भी अनुसंधान स्वयं में करती हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी करती हैं। अतः समस्या अगर समाज की तात्कालिक समस्या है तो निश्चित तौर पर यह समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और स्वयं अनुसंधानकर्ता के लिए भी बहुत ही रोचक होगी। व्यक्तिगत उत्सुकता से भी समस्या की पहचान की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत शोधकर्ता के मस्तिष्क में उत्सुकता जिज्ञासा के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे दलितों को सरकार द्वारा आरंभ किए जाने वाली सुविधाओं पर ध्यान देना, बौद्धिक क्षमता गरीब सवर्णों की बराबरी के विषय पे हो। इस उत्कंठा को शांत करने के लिए भी व्यक्तिगत रूप से संबंधित समस्या कभी कभी सामान्य हित के संबंधित हो सकती है और यह उपयुक्त भी होगी, जैसे कि किसी शोधकर्ता की उत्सुकता कोरोना महामारी के संबंध में है तो निश्चित तौर पर उसे शोध के लिए कोरोना महामारी से संबंधित विषय या समस्या का चयन किया जाना चाहिए, जिससे वह बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ यह देखना आवश्यक होगा कि जिस शोध समस्या के विषय पर वह शोध के लिए जा रहा है वहाँ पे समस्या में तीन निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला यह कि समस्या के जिन संप्रत या अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है
अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हम उन्हें शब्दों में निश्चित कर सकें कि आखिर इस समस्या पर प्रश्न क्या है। अर्थात अवधारणाएं ऐसी नहीं होना चाहिए जिन्हें हम स्पष्ट नहीं कर सकते या जिन्हें अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि समस्या में प्रयुक्त जो संप्रत्यय हैं उनके प्रमाण हेतु हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद हों, यह साक्ष्य प्रत्यक्ष अवलोकन पर या प्रमाणन के प्राप्त करने योग्य हों। प्रभाव रूप में उन संप्रत्ययों को हम चरों में आंकड़ों में रूपांतरित कर सकें और प्रक्रियात्मक रूप में इन चरों को परिभाषित भी कर सकें। ऐसी समस्याओं का हमें चयन किया जाना चाहिए। तीसरा यह कि चरों को आवश्यक रूप से परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी संभव हो, तभी हमें उस शोध समस्या का चयन अपने शोध के लिए किया जाना चाहिए। अब अनुसंधान समस्या के निर्धारण में जो आवश्यक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, हम उन पर चर्चा करेंगे। समानता अनुसंधान के लिए हमारे पास साधारण विचार या कोई समस्या होती है जिन पर हम काम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष एवं जनहित में संसद या विधानसभा के चुनाव प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं, यह समस्या या शीर्षक पूर्ण रूप से वैध है। लेकिन कोई अध्ययन अनुसंधान का विषय बने इसके पहले शीर्षक को बहुत छोटा करना होगा। किसी भी बड़े क्षेत्र में अक्सर यह करना होता है क्योंकि अनुसंधान का अर्थ में छोटी समस्या पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करना होता है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे चरणों का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिनके अनुसंधानी प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रथम यह कि शीर्षक का हमें चुनाव करना होगा। यह सही है कि हम ऐसे शीर्षक को चुनते हैं जिनमें हमें रुचि हो अथवा व्यक्तिगत हित हो। हमने किसी जिला कारागार में कैदियों के खान पान, रहन सहन, कामकाज और स्वास्थ्य और कल्याण का निरीक्षण किया है। हमने अध्ययन के लिए कैदियों के कारागार अवधि में अनुभव और उनकी परेशानियों का भौतिक एवं सामाजिक निष्कर्ष चुना निराकरण शीर्षक के रूप में चुना। हमने पूरा कारागार को देखा और वहाँ पर उनके साथ वहाँ के अधिकारियों से जो व्यवहार था, यहाँ कैदियों से, अधिकारी से, अन्य स्टाफ के व्यक्तियों की जो जानकारी मिली, कैदियों के बारे में पत्र पत्रिकाओं, लेखों और पुस्तकालय में तत्संबंधी अनेक साहित्य देखा, तो यह एक विषय होता है जहाँ पे हम शीर्षक को चुन सकते हैं या समस्या के विषय में शीर्षक बना सकते हैं। दूसरा यह कि शीर्षक के संबंधित मस्तिष्क में अनेकों चीज़ों की सूची जिन्हें हम जानना चाहते हैं। अनेकों विद्वानों ने यह माना है कि याददाश्त एक ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति को नए एवं क्रियात्मक विचारों को उत्पन्न करती है एवं उनका विकास करती है। ऐसे सभी विचारों या प्रश्नों को उस समय मूल्यांकन किए बिना ही लिख लेना चाहिए जो उस शीर्षक से संबंधित हो। इनका उद्देश्य उन सभी विचारों को जो उपयोगी हैं पैदा करना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव विचारों को बनाना है। उदाहरणार्थ कारागार में कैदियों की दशा को देखने पर निम्न प्रश्न उठ सकते हैं। यह एक परिभाषिक उदाहरण के रूप में है। जरूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठे, जैसे कारागार से पहले और कारागार की अवधि में उनके रहन सहन, खान पान, व्यक्तियों के व्यवहार में जो उनके संबंध में अंतर आए हैं, सबसे आसान और कठिन क्षण जो कैदियों ने कारागार की अवधि में भुगते हैं, वहाँ के कर्मचारियों से उनके विचार नहीं मिलते थे तथा उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी, क्या कैद में मानवाधिकारों पर कोई ध्यान दिया जाता है, कारागार में हुए कम से कम किन सुविधाओं की आवश्यकता अनुभव करते हैं आदि। ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठे उन्हें हमें तुरंत नोट करना चाहिए जिसे हम समस्या का निर्धारण कर सकें। तीसरा यह कि समस्या के लिए ध्यान केंद्रीकृत निश्चय करना। एक दो दिन के लिए मस्तिष्क में सूचनाएँ विचार आएँ उन्हें भूल जाइए और समस्या पर खुली दृष्टि से नए सिरे से सोचिए। जब हम ऐसा करते हैं तब सोच सकते हैं कि कारागार के कैदियों के एक दूसरे से संवाद, वहीं के स्टाफ या अधिकारी से उनके साथ व्यवहार कुछ समस्या पैदा कर देते हैं, तो हम अपना ध्यान उन बातों पर केंद्रीकृत कर सकते हैं कि कारागार में कैदियों के सामने ऐसी समस्याएं क्यों उठती हैं जिन पर हम शोध कर सकते हैं, या समस्या का निर्धारण में हम इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा। चौथी बात, समस्या के केंद्रीकृत ध्यान को उपलब्ध ज्ञान को जोड़ना चाहिए। अब जिन तत्वों का हमने केंद्रीकरण किया है, जिन्हें निश्चय किया है, उनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने अध्ययन को केंद्रीकृत कर लिया है, तब हमें उन साहित्य के अध्ययन की ओर मुड़ना चाहिए जो उस संबंध में, जैसे कि कारागार के संबंध में जिन विशेषज्ञों ने अपने अनुभव को लिखा है। हम पाते हैं कि इस पर बहुत कुछ पहले से ही विशेषज्ञों ने लिख के छोड़ा है,
उस साहित्य में कुछ ऐसी बातें नहीं पाई गई जिसे हमने व्यक्तिगत निरीक्षण में पाया। पुस्तकालय में यह प्रक्रियात्मक साहित्य भी मिल जाएगा जिससे ऐसे कैदियों की जिस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए आम आदमी की तरह वहाँ भी जीवन यापन कर सकें। ऐसे साहित्य के अध्ययन से यह बात समझ में आ जाएगी कि युवा कैदी और वृद्ध कैदियों के व्यवहार में भी कोई अंतर होता है। ऐसे अध्ययन करने से हमें कैदियों के बारे में अनेक कुंठाओं का भी ज्ञान उपलब्ध हो सकता है जिनके जिस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। पांचवा, अब हम निश्चित समस्या या प्रश्न का निर्माण करेंगे। ऊपर के चार चरणों के पश्चात अब हम समस्या पर आएंगे। उपयुक्त चरणों की विवेचना से अब हमारा ध्यान अनुसंधान समस्या पर केंद्रित हो जाना चाहिए कि कारागार में बंदी व्यक्तियों के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य आदि के संबंध में क्या कमियां हैं और प्रशासकीय स्तर पर उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। छठवां, संपत्तियों और चरों का अनुसंधान समस्या में प्रयोग किया जाना चाहिए। हम समस्या को संक्षिप्त रूप में बनाएंगे ताकि हम जान सकें कि प्रश्न को कैसे हल करें जिससे दूसरे व्यक्ति हमारे काम की नकल कर सकें। वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक है कि किस प्रकार उदाहरण के रूप में इन्हें परिभाषित करें, अर्थात शोध समस्या के लिए जरूरी है कि हम उन्हें परिभाषा के योग्य बनाएं। अब हम देखते हैं कि अनुसंधान समस्या के चयन में प्रारंभिक कठिनाइयां कैसे आती हैं। अनुसंधानकर्ता को अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उस अध्ययन क्षेत्र से संबंधित आवश्यक प्रारंभिक तथ्यों की जानकारी रखनी होगी। जैसे अगर वो किसी फैक्ट्री को लगाने के से पूर्व आसपास के पर्यावरण, आवागमन के साधन, लोगों की आर्थिक दशा, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रमिकों की उपलब्धि आदि की जानकारी आवश्यक होती है, इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता के लिए सूचना एकत्र करने से संबंधित स्रोतों के संभावित उत्तर, निर्देशन आदि के चुनाव करने के संबंध में प्रारंभिक जानकारी रखना आवश्यक है। पहला यह कि अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना होगा कि जिस विषय से में पहले ही बहुत काम हो चुका है उसे ना चुने, क्योंकि इसमें ऐसी समस्या से भी बचना चाहिए जो बहुत वाद विवाद में उलझी हुई हो। समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ही छोटी नहीं होनी चाहिए। समय एवं संसाधनों का भी पूर्व विचार कर लेना आवश्यक होता है। दूसरा यह कि भावी कठिनाइयों पर भी विचार करना पड़ेगा कि समस्या का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को उन कठिनाइयों पर भी विचार करना चाहिए जो प्रस्तावित अध्ययन में उसके सामने आ सकती हैं। उदाहरण के रूप में सूचनादाता से मिलने की सुविधा, आने जाने की कठिनाई, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन पर शोधकर्ता को विचार करना चाहिए। अनुसंधान के उद्देश्यों का भी ध्यान रखें। अनुसंधानकर्ता को उन उद्देश्यों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए जिनके कारण उनके अनुसंधान समस्या को अध्ययन के लिए चुना गया है। बिना उद्देश्य के कार्य सफल नहीं होते, अतः यह कठिन होगा कि बिना उद्देश्य के वह शोध कार्य करें, अतः इनका भी वह ध्यान रखें। पद्धति का चुनाव कैसे करें, यह एक विशिष्ट प्रश्न है। समस्या को हल करने में कोई अनुसंधान पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है जिसका विचार अनुसंधानकर्ता को बड़ी सावधानी से सोच विचार के करना चाहिए। पद्धति को बार बार बदलना अनुसंधान को भटकाता है। प्रारंभ से ही परीक्षण करके निश्चित कर ले कि विषय सामग्री को एकत्र करना, उसका वर्गीकरण करना, व्याख्या करने में उस समस्या के लिए सर्वोत्तम कौन सी पद्धति उपयोगी होगी। समस्या के निर्माण में आवश्यक सामग्री, आवश्यक तकनीक का निर्धारण कर ले। अनुसंधानकर्ताओं को अपने अनुसंधान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुसंधान समस्या को अपने निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुसंधान समस्या का समय के अंदर पूर्ण करना एक कठिन कार्य होता है। शोधकर्ता को समस्या के निदानार्थ उस तकनीक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं विचार करना होगा कि उसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए और पूरा किया जाए। इसमें उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले समस्या को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट कर ले, उसमें निम्न तकनीकी बातों का अध्ययन रूप से अध्ययन करें और ध्यान रखें कि समान रूप से समस्या संबंधी समस्या की प्रकृति को समझना, उपलब्ध संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, वार्तालाप के माध्यम से विचारों को विकास करना, समस्या को कार्य करने हेतु बदलना, इन बातों का ध्यान अगर रखेगा तो निश्चित तौर पर वह समस्या का निर्धारण कर सकेगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान समस्या का अर्थग्राही उपयोग एवं कार्ययोग बन जाने पर अनुसंधान को सफलतापूर्वक किए जाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन समस्या सही सही रूप देना आसान नहीं है। अनुसंधान समस्या को सही
सही पदावली में रखना एक प्रक्रिया है। पहले समस्या को बहुत समान अर्थ में परिभाषित किया जाता है, संख्याओं को दूर किया जाता है, समस्या के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट करना कि विश्लेषणात्मक रूप से उपयोगी सिद्ध हो, सहयोगी और निदेशक की सलाह लेते हुए समस्या को परिष्कृत रूप से दिया जाना चाहिए ताकि उसे काम चलाऊ प्रकल्पना निकल सके और समस्या स्वयं अपने हल को बताए। निश्चित तौर पर इसे हम